हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कम तिल का नाश्ता बनाने का सोच रहे हैं तो ये नाश्ता आपके लिए ही है। एकदम कम तिल में बनता है, खाने में भी टेस्टी लगता है, बनाना भी इजी है। और हाँ, इस नाश्ते को सिर्फ एक बनाइए और पूरे परिवार जो है वो मिलकर खाइए। तो चलिए, देर किस बात की, हम इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम इस नाश्ते को बनाएंगे उड़द दाल और चावल से। तो उसके लिए क्या करना है, हमें इसे 2 से 3 घंटे जो है वो भिगा देना है। आप चाहे तो इसे अगर मॉर्निंग में बनाना चाहते हैं तो पूरी रात को भिगा दें। उसके बाद हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो एकदम पतला हमें जो है पीसना है इसे, जिससे चावल और दाल अच्छे से पीस जाए। और चावल और दाल की जो क्वांटिटी है, हम जैसे डोसा बनाते हैं ना, बिल्कुल वही क्वांटिटी रखनी है। तो जैसे अगर आप 1 कटोरी जो है वो चावल ले रहे हैं, तो उसका 1/4 हमें उड़द दाल लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे जो है वो रेस्ट पे रख देंगे, ताकि जो उड़द दाल है वो अच्छे से उठ जाए। तो 1 से 2 घंटे बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए, ये अच्छे से जो हमारा बैटर था वो सेट हो गया है और थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। तो हमारा बैटर जो है वो तैयार है। तो अब हम इसमें कुछ जो है वो मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो नमक ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं नमक करना है, थोड़ा सा इसमें मीठापन रहे उसी हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे। उसके बाद एकदम चुटकी भर हल्दी, ताकि ये देखने में कलर आए तो अच्छा लगे। हल्दी को आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और डाल देते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स, या फिर आप लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर हरी मिर्च का, और थोड़ी सी धनिया पत्ती। तो इसे अब हम जो है वो अच्छे से मिला लेते हैं। चूँकि ये दाल है, तो इसे जितना अच्छा से फेटेंगे हमारी रेसिपी जो है उतनी अच्छी सी और फूली फूली सी बनेगी। और लास्ट में हम इसमें डाल देते हैं चुटकी भर जो है वो बेकिंग। तो आप चाहे तो सोडा को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सोडा डालने से ये थोड़े स्पॉन्जी बनते हैं। तो अगर आपने रात में ही पेस्ट बना लिया है तो सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर टाइम नहीं है ज़्यादा आपके पास इसको रेस्ट करने की, तो आप थोड़े से सोडा को ज़रूर डालिए। तो अब चलिए हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने गैस पे जो है वो कढ़ाई रख लिया है, साथ में 2 चम्मच हमने तेल डाला हुआ है। तो तेल हमारा जो है वो अच्छे से गर्म हो। तो इसमें हम जो है वो 1/2 चम्मच के लगभग साबुत जीरा डाल देंगे, और इसे जो है वो हल्का सा क्रैकर होने देंगे, जिससे जीरा जो है वो अच्छे से पक जाए। तो जब जीरा पक जाए तो हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, या फिर आप इसे बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने एकदम बारीक चॉप करके डाला हुआ है। साथ में मैं डाल लेती हूँ 1 छोटी जो साइज की बारीक कटी हुई प्याज, और इसे हमें जो है वो हल्के सुनहरे होने तक भूनना है। तो गैस का फ्लेम हम धीमा ही रखेंगे, ताकि ये अच्छे से पक गए और सुनहरा कलर दे। तो यहाँ पे जो प्याज था वो हल्का सुनहरा हो गया है, जिससे इसका कच्चापन भी निकल गया है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 1 उबले हुए जो है वो आलू। तो हाथों से इसे जो है वो मैश करते हुए डालेंगे, और साथ में कुछ हरी भरी सब्जियाँ। तो यहाँ पे सबसे मैं डाल देती हूँ पहले गाजर, एक टुकड़ा जो है वो कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़े से जो है यहाँ पे मैं डाल देती हूँ हरा मटर। तो ये फ्रोज़न हरा मटर है, तो इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार इसमें और भी कोई सब्जियां ऐड कर सकते हैं। और इसे हम गैस का जो फ्लेम है वो लो ही रखेंगे और अच्छे से भुनेंगे। अब हम डाल देते हैं यहाँ पे थोड़े से इसको चटपटा बनाने के लिए कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम स्वाद के अकॉर्डिंग जो है वो नमक डाल देते हैं। एक चुटकी जो है वो हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाने के लिए मैं यहाँ पे
थोड़े से सब्जी मसाले का यूज़ कर लेती हूँ। आप चाहे तो अपने फ्लेवर के जैसे पाव भाजी मसाला, सांभर मसाला या और कोई भी मसाले को ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा जो मसाला है वो चटपटा सा हो जाए। तो अब इन्हें जो है वो अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे, जिसे हमारे नाश्ते की ये स्टफिंग बन के तैयार होती है। बहुत ही सिंपल तरीका है, कम सामान है, घर के बेसिक चीज़ों से ही आज की हमारा जो ये नाश्ता है वो बनता है, साथ में टेस्टी भी है और बिल्कुल अलग तरीके का नाश्ता है। तो यहाँ पे हमारे जो स्टफिंग है वो बन कर के तैयार है। ऊपर से मैं थोड़े से इसमें डाल देती हूँ धनिया पत्ती, जिससे ये देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी। तो धनिया पत्ती को भी इसके साथ जो है वो अच्छे से मिला लेते हैं। तो तैयार हो गई है हमारी स्टफिंग, तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। उसके लिए हम सेम पैन लेंगे और उसमें हमने यहाँ पे डाला है 2 चम्मच जो है वो ऑयल। तो आप ऑयल या घी किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकती हैं। देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमने ऑयल का यूज़ नहीं किया है, बहुत ही कम ऑयल में आज की हमारी ये रेसिपी पूरे परिवार के लिए बन कर के जो है वो रेडी होने वाली है। तो अब हमें क्या करना है, हम इसमें जो है वो 1 चम्मच भर के जो है वो राई डाल देते हैं। तो अगर आपके पास करी पत्ता है तो उसे भी ज़रूर डालें। तो अब हम डालेंगे बैटर, तो जो हमने बैटर तैयार किया हुआ है वही बैटर डालेंगे। और हाँ, ध्यान रहे कि हमें पूरा बैटर एक साथ नहीं डालना है, हम आधे बैटर को कढ़ाई में जो है वो फैलाते हुए डालेंगे और गैस हमें बिल्कुल लो रखना है। और इसके बाद हमने जो स्टफिंग मसाला जो है आलू का तैयार किया है वो थोड़ा थोड़ा करके इसी बैटर पे जो है वो फैलाएंगे। तो किनारों से हम इसे अच्छे से फैलाते जाएंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कम मेहनत में पूरे परिवार के लिए हमारी ये जो नाश्ते की रेसिपी है बनके तैयार होती है, साथ में हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो अच्छे से यहाँ पे हमने जो है स्टफिंग को फिल कर दिया है। अब क्या करना है, हमने जो आधी जो है वो बैटर बचा के रखी थी वो भी इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे और इसे पूरा जो है वो कवर कर देंगे। थोड़ा थोड़ा हम ऐसे फैलाते हुए इसे अच्छे से ढक देना है, जिससे स्टफिंग जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। अब ये अच्छे से जो है वो कवर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हम एक ढक्कन की सहायता से इसे जो है वो ढक देंगे और गैस एकदम लो रखेंगे ताकि ये अच्छे से जो है वो पके। और 3 से 4 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये किनारों से जो है वो सूखने लगा है, अभी बीच में थोड़ा सा कच्चा है। तो अब हम इसे हल्के से जो है वो किनारों किनारे से देख लेते हैं कि ये जला तो नहीं है। तो देखिए ये इसने कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं पकड़ा हुआ है और बिल्कुल कम तेल में अच्छे से ये सीक रहा है। अब किनारे से इसे हल्के से हिलाते रहेंगे ताकि ये पकड़े भी नहीं। तो अब हम इसे वापस से ढक देते हैं ताकि जितना बचा हुआ है पार्ट वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो 3 से 4 मिनट बाद हमने इसे वापस से खोल दिया है। तो देखिए ये ऊपर से भी जो बचा हुआ था पार्ट वो भी अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसे सावधानी से जो है वो दूसरी साइड पलटेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो ऑयल डाल लेते हैं और ऊपर से थोड़ी सी राई, ताकि दूसरी साइड भी देखने में ये अच्छी लगे। तो इसे हम सावधानी से जो है वो दूसरी साइड पलट लेते हैं और 3 से 4 मिनट जो है इसे भी पका लेंगे। तो अगर आप क्रंची कम चाहते हैं तो सिर्फ आप 1 से 2 मिनट ही से पका सकते हैं, या फिर आप क्रंचीनेस चाहते हैं तो लो फ्लेम पर 2-3 से 4 मिनट तक पकाइए, जिससे कि दोनों तरफ से ये क्रंची हो जाए। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारी आज की ये बिल्कुल अलग न्यू और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, जिसे खाने में बड़ा ही मज़ा आने वाला है। ऊपर से क्रंची, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, साथ में हेल्दी टेस्टी। और एक ही आप बनाइए और पूरे परिवार मिलकर खाइए। तो चलिए एंजॉय करिए आप ये रेसिपी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।